केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें अधिवेशन का उद्घाटन कल किया था। यह अधिवेशन 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें सड़क निर्माण और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को 20,000 करोड़ की सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मांग पर गडकरी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें 4 लेन करने के लिए DPR की स्वीकृति दी, सिंगल लेन को 2 लेन की स्वीकृति दी है, रायपुर में 4 फ्लाईओवर निर्माण करने की भी घोषणा की, रायपुर के सरोना तेलीबांधा उद्योग भवन और धनेली जंक्शन में फ्लाईओवर निर्माण की मंजूरी दी गई है। आपने जो मुझे लिस्ट दी थी उसमें से 4 लेन करने के लिए DPR की भी स्वीकृति देता हूं और DPR के बाद यह काम की शुरुआत भी होगी, ये आपको विश्वास देता हूं। धमतरी से जगदलपुर NH 30, रायपुर से बलौदा बाजार सारंगढ़ NH 130D, कटदोरा से अंबिकापुर NH 130, बिलासपुर से अकलतरा रायगढ़ ओडिशा बॉर्डर, ये चारों हाईवे को 4 लेन करने की मैं अनुमति देता हूं। आप DPR बनाइए और जल्दी भेज दीजिए। फिर सिंगल लेन टू 2 लेन पांडुका टू झरिया बहार NH 130C, झरिया बहार टू मंदाकगुड़ा NH 130C, इसको भी मैं तुरंत DPR बना दीजिए, हम मंजूरी देंगे। रायपुर शहर में 4 फ्लाईओवर को मैं आज मंजूरी घोषित कर रहा हूँ, सरोना चौक, उद्योग भवन चौक, तेलीगंधा चौक और धनेली जंक्शन, ये चारों जगह पर फ्लाईओवर मंजूर करने की घोषणा करता हूँ। और वन टाइम इम्प्रूवमेंट में पौंडी, पंडरिया, तख्तपुर, मुंगेली और अंबिकापुर, इनको मैं वन टाइम डेवलपमेंट में भी इस काम को मंजूरी देता हूँ और 900 करोड़ CRF में भी मंजूरी दे रहा हूँ। टोटल 20,000 करोड़ रुपए के ये काम, इसकी मंजूरी प्रदान